सिंह जो बैरिया यूपी से एमएलए हैं, इन्होंने कहा है कि मुसलमान रहते और खाते यहाँ का है, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं। मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे और भारत पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत कम ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान लोग हैं जो भारत की चिंता करते हैं, नहीं तो शुद्ध रूप से रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, पहनते हैं यहाँ का, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या सकता है, लेकिन लगता है कि वो भी दिन दूर नहीं। परमात्मा कृपा से भारत भूमि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है मोदी और योगी के नेतृत्व में। मोदी इस भारत भूमि का अवतार व्यक्तित्व है, राजनीति में भले है लेकिन अवतार व्यक्ति है। और हमको तो विश्वास है भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ चतुर्वेदी जी, कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। भारत मेरी अपनी मैं व्यक्तिगत अपना चिंतन बता रहा, यदि संघ के हमारे साधकों की तपस्या सत्य है और ईश्वर की सत्ता सत्य है, तो संघ के 100 वर्ष होने जा रहे हैं 2024 में, संघ निर्माण के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और 100 वर्ष परीक्षा की घड़ी थी ईश्वर की तरफ से, वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 तक, और राष्ट्र के लिए राष्ट्र चिंतन परिवर्तन का चिंतन परिवर्तन कराना, यदि धर्म परिवर्तन मानते हैं तो मान लीजिए धर्म परिवर्तन, क्योंकि धर्म परिवर्तन मतलब राष्ट्र परिवर्तन हो जाए, राष्ट्रीय चिंतन परिवर्तन हो जाए। तो अगर जो फिर भी अगर जो लोग नहीं मानेंगे, जो इस तरह के लोग होंगे, उनका क्या होगा? नहीं मानेंगे तो हिंदू राष्ट्र के तहत जो सिद्धांत बनेगा, जो संविधान बनेगा, उसके तरह रहना चाहेंगे तो रहेंगे, उनका स्वागत है। नहीं रहना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजा खुला है, विश्व के सैकड़ों देश उनके लिए दरवाजा जो है खोले रखते।